हेलो ऑल, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ए इन एलिसा? ई एल आई एस ए में ए का मतलब क्या है? पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। आंसर इज ऐसे। अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक टेस्ट किट बनाया जिसको कोविड 19 के जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड 19 के डिटेक्शन एंटीबॉडीज डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट बनाया गया है, यहाँ पर एक किट रखा गया जिसको नाम दिया गया एलिसा किट। ये एलिसा किट पहले भी इस्तेमाल हो चुका है और होता भी है डिटेक्शन के लिए एचआईवी के, जो एड्स जो बीमारी है तो उनका जो वायरस, उसका जो वायरस है एचआईवी, तो वहाँ पर भी एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी एलिसा की बात की गई है। इस एलिसा का ई एल आई एस ए का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो इसी के ज़रिए जो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका पता लगाया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का पता लगेगा, यानी कि वाइड रेंज इसकी जितनी ज़्यादा पता लगेगी, उतना ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि कितने लोग जो हैं वो संक्रमित हैं कोविड 19 से। अब ऐसा कहा गया है यहाँ पर कि एक किट जो है वो 90 टेस्ट कर सकता है, 2.5 घंटे के अंदर 90 सैंपल जो हैं लिए जा सकते हैं इस एक किट के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, ICMR ने और NIV ने दोनों ने मिलकर इस किट को बनाया है और ये जो एलिसा इस तरीके जो किट है पूरा, इसको नाम दिया गया है कोविड कवच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको जो नाम दिया गया वो है कोविड कवच एलिसा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR ऑफ इंडिया? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है नवजात शिशु मृत्यु दर। अभी हालिया में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया है जिसके अंदर अलग अलग तरीके की डेथ रेट, बर्थ रेट, IMR वगैरह ये डेटाज दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि IMR भारत का जो है वो कितना है। पहले हम आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ बी 32। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है भारत की वो 32 है। अगर देखा जाए तो अगर लास्ट 10 ईयर की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर जो 2011 से लेकर अभी तक की बात करें, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में अच्छी खासी कमी देखी गई है, यहाँ पर 35% तक की गिरावट देखी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और ग्रामीण इलाके जो है वहाँ पर भी नवजात शिशु मृत्यु दर कम हुई है बहुत ज़्यादा कम। नवजात शिशु मृत्यु दर का मतलब होता क्या है कि प्रत्येक 1000 बच्चों पर, जीवित बच्चों पर, ठीक है, लिविंग बर्थ्स जो बोले जाते हैं, तो 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो बोली जाती है नवजात शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें अच्छी गिरावट देखी गई है। और वहीं अगर हम बात करें कि डेथ रेट की, तो भारत की डेथ रेट मृत्यु दर जो है वो 6.2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए DR जो है दैट इज़ 6.2। वहीं अगर हम बात करें बर्थ रेट की, तो भारत की जो बर्थ रेट है दैट इज़ 20। ठीक है, तो ये दोनों डेथ रेट और बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन तीनों के डेटा रिसेंटली रिलीज़ किए गए हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, IGCC जनरली जो सेंसस कंडक्ट की जाती है वो भी इन्हीं के जरिए कंडक्ट की जाती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद? अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? आंसर देख लेते हैं। पहले आंसर इज़ डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीवन का जो अधिकार दिया जाता है उस जीवन के अधिकार से संबंधित है। एक व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत जो संवेदनाएं हैं उनका अधिकार दिया जाता है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर भारतीय संविधान में। इसका नाम अभी सामने आया क्यों? अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम जो गैस त्रासदी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे उसके कानूनी दावपेज अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक नाम जो है, कंसेप्ट दिया गया है SLAL का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया SL वर्सेस AL। ये बहुत थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू डिफरेंट कंसेप्ट है। जनरली इस तरीके की चीज़ें एग्ज़ाम में, इस तरीके के बेसिक एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई पर्पज़ बनेगा, तो हम इसके ऊपर एक अलग से एक पर्टिकुलर लेक्चर बना सकते हैं या बनाएंगे। SL का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और AL का मतलब होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बहुत अलग कंसेप्ट है, कानूनी थोड़े से बोले जाते हैं ये नियम। तो अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। मूल अधिकार जो कहे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनका एक कंसेप्ट बोला जाता है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से संबंधित है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WMO इज सिचुएटेड?
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व मौसम विभाग जो कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, में मुख्यालय स्थित है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस किन किसकी याद में मनाया जाता है? पहले हम ये देख लेते हैं राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया कब जाता है, तो ध्यान रखिएगा 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्यों मनाया जाता है? अब यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन है, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन अजय। आंसर हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर इज ऑपरेशन शक्ति। 11 मई 1974 को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने चलाया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति ये इंडियन आर्मी के पोखरण टेस्ट का एक हिस्सा था, जिसको जनरली स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया जाता है। जो ऑपरेशन था स्माइलिंग बुद्धा, उसी का पहला पार्ट, जो 5 पार्ट में अलग अलग परीक्षण किए गए, टोटल हमने 5 इस तरीके के टेस्ट किए थे, एटॉमिक टेस्ट, उसमें से जो पहला टेस्ट था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। उसी के बिहाफ पर फिर आगे चलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तत्वावधान में डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा 1998 में भी पोखरण 2 किया गया। तो जो पोखरण 1 जो था 1974 का, 1974 ध्यान रखना 1974, तो वहाँ पर उसे पहले नाम दिया गया, मतलब जो एक स्माइलिंग बुद्धा, और स्माइलिंग बुद्धा के पहले फेज को, मतलब ऑपरेशन शक्ति के पहले फेज को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, इसी वजह से हर साल 11 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेशल्स, सेशल्स की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा सेशल्स की जो राजधानी है दैट इज़ विक्टोरिया। ठीक है, सेशल्स आइलैंड, ये अफ्रीका के अंदर एक आइलैंड है, तो इसकी जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया। अभी हालिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया गया मिशन सागर। इस मिशन सागर से सेशल्स का भी एक संबंध जोड़ा गया, रखा गया। वो कुछ इस तरीके से है कि मिशन सागर के अंतर्गत मेडागास्कर, सेशल्स, मालदीव्स, कोमोरोस, इन सभी के अंदर HCQ टैबलेट जो है वो पहुँचाई जाएंगी। HCQ का मतलब क्या? वही हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो कि COVID-19 संक्रमण से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, तो उसी को यहाँ पर जो है नाम आया है यहाँ पर। तो इन देशों के अंदर भी ये जो टैबलेट है इसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेशल्स की जो राजधानी है दैट इज़ विक्टोरिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक्स डज नॉट कम्स अंडर सरफेसी एक्ट, इनमें से कौन से बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अभी नहीं आते हैं, लेकिन हालिया में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक आदेश दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, सहकारी बैंक हैं, उन्हें भी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लाया जाए। सरफेसी एक्ट है क्या? पहले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, मोटा मोटा अगर इसको अगर हम समझें तो वो इतना सा है सिर्फ यहाँ पर, कि अगर किसी तरीके का NPA अगर बैंक का है, तो उस NPA को रिकवर करने के लिए जो कानूनी अधिकार बैंकों को दिए गए हैं, उन सभी कानूनी अधिकारों का वर्णन सरफेसी एक्ट के अंतर्गत किया गया। तो हाल में कोऑपरेटिव बैंक्स इनके अंतर्गत नहीं आते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रिकवरी के लिए, जो NPA की रिकवरी है, कस्टमर प्रोसेसिंग है, इन सभी को थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इनके अंतर्गत लाना होगा। साथ ही साथ में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसके अंतर्गत जो बैंकों की डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन में भी कोऑपरेटिव बैंक्स को जगह देनी होगी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, अगर इस तरीके से हो जाएगा तो ये एक हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बैंक्स जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ भी होंगे और उनकी पावर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक अच्छा कंसेप्ट हो सकता है अगर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्ट करके चलते हैं। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का मुख्यालय इनमें से किस शहर में है? इनका मुख्यालय जो स्थित है दैट इज़ इन
हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अभी रिसेंटली भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ICMR के साथ मिलकर, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर COVID-19 से बचाव के लिए बहुत अलग अलग तरीके के, अगर हम कहें तो, टेक्नोलॉजी को बनाने का यहाँ पर MOU वगैरह साइन किए गए हैं। कोई पावर MOU साइन किया गया है, कोई मेडिसिन MOU साइन किए गए हैं। तो ध्यान रखना, भारत बायोटेक, अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन के नाम से पूछा जा सकता है। BBIL इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धारचूला टाउन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? धारचूला जो टाउन है, जो कस्बा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? धारचूला जो है ये, दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर धारचूला स्थित है, एक छोटा सा टाउन है। तो यहीं से क्या है कि धारचूला से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है उसको शुरू किया जाता है। धारचूला से जो चाइना बॉर्डर लगती है, वहीं इन दोनों के बीच में एक इस तरीके का एक रोड बनाया गया है, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जिससे जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो काफ़ी सुगम हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, धारचूला का नाम ध्यान रखना आ सकता है, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर देख लेते हैं हम। इस योजना को लॉन्च किया है त्रिपुरा की सरकार ने। ठीक है, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। क्या है ये, इसके ज़रिए क्या किया गया है कि कहने को तो देखा जाए तो ये नेशनल एक स्कीम बोली गई थी, लेकिन अभी इसको स्टेट वाइज अलग अलग लेवल पे लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहले त्रिपुरा ने इसको लॉन्च किया। इसमें है क्या कि जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो टेक्नोलॉजी से या किसी भी चीज़ से संबंधित हैं, पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। क्यों? मोबाइल फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए राज्य सरकार जो है कुछ इस तरीके का उनका क्राइटेरिया होगा। उस क्राइटेरिया के आधार पर ये बच्चों को जो है मोबाइल फ़ोन हेतु 5,000 रुपया प्रति विद्यार्थी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसी को नाम दिया गया मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। अभी त्रिपुरा ने लॉन्च किया, हो सकता है आगे और भी स्टेट इस तरीके की योजना को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे इस तरीके के। किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन आस्क इट टू मी डायरेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स से अच्छा ये होगा कि यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ऑन जहाँ भी आपकी जो भी सूटेबल हो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी कि कोई भी अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन हैं इनको डेली बेसिस पे नोट डाउन करते रहिए, ताकि आगे किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।